नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। खबरों में सबसे पहले बात, झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि कोरोना संकट की को वजह बनाकर सरकार श्रम कानून में संशोधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने विभाग की बैठक के बाद इस बात की घोषणा की। तो आपको बता दें, मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से सरकार श्रम कानून में संशोधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने विभाग की बैठक के बाद ये बातें कही हैं। सरकार का एक उद्देश्य है कि कोरोना विश्व महामारी से लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। अभी हम लोग कोई संशोधन नहीं करेंगे, कौन वही रहेगा। लक्ष्य है कि 10 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ना, सुरक्षित लाना, ये सरकार के काम है और हम लोग कोई संशोधन अभी नहीं करेंगे। पहला लक्ष्य है मजदूरों को सेवा करना। राज्य सरकार तो श्रम मंत्री का बड़ा बयान है, नहीं लागू होगी श्रम संशोधन कानून को लागू नहीं करने की बात इन्होंने कही है। आज बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये बड़ी बात मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से झारखंड में लागू नहीं करेंगे श्रम कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा। विभाग की बैठक के बाद ये घोषणाएं की गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, सत्यानंद भोक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि श्रम संशोधन कानून में किसी भी तरह का कोई वो बदलाव नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन देश को किया गया था उससे अर्थव्यवस्था पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है और इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों ने अपने राज्य के श्रम नियोजन का जो कानून है उसमें कई संशोधन किए हैं, जिसमें जो कामगार है उनके लिए काम करने के का जो समय है उसमें इजाफा किया गया है। कई जगह 10 घंटे तो कई जगह 12 घंटे का प्रभाव प्रावधान किया गया है, जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि क्या झारखंड में भी इस तरह का कोई बदलाव झारखंड की सरकार कर सकती है। तो इस बाबत आज राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण मामले के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने स्पष्ट किया है कि झारखंड की सरकार इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं करने जा रही है, यानी कि श्रम कानून जो राज्य में अभी लागू है उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं होगा। वर्तमान में जो कार्य करने के घंटे हैं उसी के अनुसार राज्य के मजदूरों को श्रमिकों को कार्य करना पड़ेगा। विभागीय मंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना था कि सरकार जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं या फिर जो मजदूर यहाँ पर कार्यरत है उनके बेहतरी के लिए कदम उठाएगी, ना कि उन पर कोई अतिरिक्त भार डालने की कोई मंशा राज्य की सरकार की है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। तो श्रम मंत्री का बड़ा ऐलान है, उन्होंने बातें कही हैं कि वो नहीं लागू करेंगे श्रम कानून में संशोधन वो नहीं करने वाले हैं। ऐसे में नहीं लागू करने की बात जो है श्रम कानून में संशोधन नहीं करने की बात मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही है और आज बैठक थी, इस बैठक के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। तो श्रम संशोधन कानून नहीं लागू करने की बात मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही है, मंत्री का बड़ा ऐलान। कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है आज, हालांकि बैठक थी, बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही है कि श्रम संशोधन कानून नहीं लागू होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, वो लागू नहीं करेंगे, ऐसी बातें मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही।
तो श्रम कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के संशोधन न करने की बात कही है मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने, और आज बैठक हुई थी, इस बैठक में ये बातें कही गई हैं। तो श्रम मंत्री का एक बड़ा बयान, तो श्रम कानून में बदलाव नहीं करने के बाद, संशोधन न करने की बात कही गई है मंत्री सत्यानंद भोक्ता की तरफ से। तो आपको बता दें बड़ी खबर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा बयान, उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। इस बयान के साथ उन्होंने कहा है कि श्रम संशोधन कानून में कोई भी किसी भी तरह के संशोधन न करने की बात कही है, उसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इस बीच वो इस तरह के निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। विभाग की बैठक चल रही थी, इस दौरान उन्होंने कहा है मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कि झारखंड में लागू नहीं करेंगे श्रम कानून में संशोधन। तो विभाग की बैठक के बाद उन्होंने ये बात की घोषणा की है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा बयान, किसी भी तरह की कोई भी संशोधन श्रमिक कानून में नहीं करने वाले हैं, वो लागू नहीं होगी झारखंड में।